हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हेयर बैंड बनाना सीखेंगे। जब हम लोग बाजार से इस तरह के हेयर बैंड लाते हैं और लगाते हैं तो बाल इसमें फंस जाते हैं और बहुत सारे बाल हमारे टूट जाते हैं, तो क्यों ना घर में ही आसान तरीके से हेयर बैंड बनाया जाए। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए। एक कपड़ा, इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 90 सेंटीमीटर ली है। यदि आप साटन का कपड़ा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, इसमें बाल फंसते नहीं है और आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। तो इसके लिए हमें साटन का कपड़ा लेना है और कपड़ा मैंने यहाँ पर 90 सेंटीमीटर लिया है और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर लिया है। अब हमें करना क्या है कि दोनों साइड के किनारों को सिलाई कर लेना है। या तो आप मशीन से सिलाई कर लें या नहीं तो फिर सुई सूते की सहायता से भी इसे सिलाई कर सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह सिलाई कर ले, किनारों को सिलाई कर ले। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे मोड़ लेना है। इस तरह मोड़ कर इसके किनारों को सिलाई कर लेना है। आप जितना लंबा कपड़ा लेंगे उतना ज़्यादा इसमें फ्रिल बनेगा, तो वह देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए, मैं सिलाई करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने किनारे पर सिलाई कर दिया है और इसके साइड में भी इस तरह सिलाई कर दी है। अब हमें इसे फ्लिप कर देना है। तो फ्लिप करने के लिए आप पहले क्या कीजिएगा, एक सेफ्टी पिन लेकर इसे एक किनारे पर इसे लगा दीजिए। उसके बाद इसे पकड़कर इसके अंदर घुसाइए, इसके अंदर इस तरह घुसा लें। ऐसा करने से ये जल्दी से फ्लिप हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसको पलटने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है और सिलाई को बीच में रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का इलास्टिक लिया है। अब हमें इसके अंदर इलास्टिक को डालना है। तो कैसे डालेंगे, सेफ्टी पिन की सहायता से इसे डालेंगे और इसके दोनों छोरों को पकड़कर सिलाई कर देंगे। तो चलिए, मैं इसमें लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट किया है। अब इसके दोनों छोरों को पकड़कर सुई सूते की सहायता से इसे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा प्यारा सा स्क्रंची हैंडमेड हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है और यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो इसका रुपया 50 रुपया से कम नहीं दाम होगा। तो इस तरह आप अपने घर में हैंडमेड स्क्रंची हेयर बैंड बना सकते हैं और आप जितना ज्यादा इसमें कपड़े की लंबाई का यूज करेंगे उतना ज्यादा वह इस तरह का फ्रिल दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने दूसरा एक और बनाया है। देखिए, इसमें इस कपड़े की लंबाई ज्यादा नहीं होने की वजह से इसमें फ्रिल उतना ज्यादा नहीं बना है। तो दोनों को कंपेयर कर देखेंगे तो सबसे सुंदर हमारा ये वाला ही लग रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह हैंडमेड स्क्रंची हेयर बैंड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।